श्रद्धेय नानाजी देशमुख की स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन आपकी संस्था के द्वारा किया गया है, इसके लिए तो बहुत सी शुभकामनाएं और बहुत बधाई। श्रद्धेय नानाजी अपने ढंग के अनोखे व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अनुभव लेने के पश्चात ये निर्णय किया कि राजनीति से सामाजिक परिवर्तन और समाज की व्यवस्था का परिवर्तन बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि हम दरिद्र नारायण की सेवा को अपना माध्यम बनाएं और ये समझकर काम करें कि मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हूं, सबके लिए हूं, और जो कुछ करना है वो सारे समाज और विशेषकर जो उसमें से पीड़ित और दुखी हैं उनके लिए करना है, ये उन्होंने अपने जीवन के लिए एक आदर्श रखा। और रचनात्मक कार्यों से समाज में परिवर्तन लाना, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना, उन सब में आपसी सहयोग की भावना का निर्माण करना और उस सहयोग की भावना से अपने परिवेश में एक व्यापक सुधार लाना, इसका उदाहरण उन्होंने गोंडा में दिया और फिर अंत में चित्रकूट में दिया। जो भी कभी चित्रकूट जाएंगे वो नाना जी के इस प्रयोग को और उसके जीवन के सिद्धांत को चरितार्थ होते हुए देखेंगे। नाना जी ने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक सहयोगियों को विकसित भी किया। श्री अश्विनी कुमार जी जैसे अनेक व्यक्ति उनके संपर्क में आए और उन्होंने अपना सारा समय, अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप समाज के लिए अर्पित कर दिए। ऐसे अनेक व्यक्तित्व हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं परंतु देश के अनेक राज्यों में, अनेक क्षेत्रों में उनके लिए समर्पित हैं और आज भी उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। नाना जी से मेरा संपर्क बहुत पुराना है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था तब नाना जी से मेरा संपर्क हुआ। उस समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। कालांतर में वो भारतीय जनसंघ में आए और पंडित दीनदयाल जी के सहयोगी बने। और जब तक पंडित दीनदयाल जी राजनीति में जीवित थे नाना जी ने एक क्षण को भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद भी समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समग्र क्रांति के अग्रदूत बाबू जयप्रकाश नारायण का उन्होंने बहुत ही मूल्यवान और सार्थक सहयोग दिया। बाबू जयप्रकाश नारायण पर जब लाठी का आघात हुआ था तो श्रद्धेय नाना जी ने ही अपने हाथ पर चोट लेकर उनकी रक्षा की थी और एक तरह से उस समग्र क्रांति के आंदोलन में बाबू जयप्रकाश जी के साथ नाना जी का वैसा ही संबंध था जैसे डॉक्टर मुखर्जी के साथ पंडित दीनदयाल जी का। और मैं निसंकोच कह सकता हूं कि आपातकाल के समय जो कुछ नाना जी की भूमिका रही और आपातकाल को समाप्त करा के जनता पार्टी की स्थापना में जो कुछ उनका परिश्रम रहा उसने देश में एक नई चेतना और नई आशाओं का सूत्रपात किया था। ये नाना जी का ही व्यक्तित्व था कि उन्होंने खुलकर ये कहा कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को राजनीतिक पदों से अलग हो जाना चाहिए और स्वयं भी वो 60 वर्ष के होते ही राजनीतिक पदों से अलग हो गए। नाना जी ने ही ये संकल्प किया था कि वो अब रचनात्मक कार्य करेंगे और जो भी कुछ धन संग्रह करेंगे वो शुद्ध धन संग्रह होगा, वो किसी प्रकार का काला धन नहीं होगा। और ये आश्चर्य की बात है कि वो उद्योगपति जो राजनीतिक पार्टियों को हर प्रकार से सहायता करते हैं और हर प्रकार का धन देते हैं वो नाना जी को केवल शुद्ध धन ही देते रहे और वो चेक के द्वारा लेते रहे। तो राजनीतिक दृष्टि से शुचिता, अर्थ शुचिता, जीवन शुचिता और दरिद्र नारायण के लिए समर्पण, ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनका आज की राजनीति में बहुत अभाव है। और राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। यहां तो सहयोग के स्थान पर असहयोग ही अधिक दिखाई देता है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के संगठनों में भी दरार दिखाई देती है।
अगर आज नाना जी के आचरण को हम स्मरण करें तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार के से सहयोग के द्वारा हम परिवर्तन लाते हैं। ये नाना जी थे जो चौधरी चरण सिंह जी जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता दल में शामिल करा पाए और उन्हें कांग्रेस से हटा के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना पाए। नाना जी थे जिन्होंने बाबू जगजीवन राम और अन्य ऐसे तमाम नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंधों के आधार पर जनता दल को परिपुष्ट बनाया। ये उनकी सहयोग करने की ही प्रवृत्ति थी कि वो एक हमेशा एक रचनात्मक सहयोग के द्वारा ही लोगों का हृदय जीतते थे और वो इसमें आजीवन संलग्न रहे और इस क्षेत्र में वो सफलता के प्रतिमान बने। नाना जी की आज के समय में और उनके इन सिद्धांतों की और विचारों की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। उनके प्रति हम जहां अनेक प्रकार से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मुझे जानकर प्रसन्नता है कि सहयोग के आधार पर अनेक कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं उन सब की सफलता की भी शुभकामना करता हूँ।